माई चुपा चुपी रजब जो महीनो पूरा अचो तो उनमें मिठी टिक्कियों ठीक खिचड़ी ठीक है पूरी ठीक समोसा ठाईंदा मेवे वाला तो ये ठाण सिखार पे नोट कजो जैसे ठाणी होंगी हुई रेसिपीज तो न्याज कर या वो जो ठाण जो शौक भी हुए तो ठाई सो तो मिठी टिक्कियों की काफ़ी सारी फरमाइश हुई इन कर सोचो अभी पूरी क्यों तो पंजे न्याज में भी ठाई सो ठीक है। इनके अलावा बी रेसिपीज जो सीजन वाइज हाँ स्टार्ट कर गर्मियों भी काफ़ी थी व्यून तो काफ़ी सारा ड्रिंक्स हैं उनके लिए हाँ कुल्फियों हैं शरबत काफ़ी तरीके जो तक ठाई सिखारबा तो सैटरडे वे ढी हाँ लाइव ना होंगे जी खमीस जुम्मो लाइव है छंछर वे ढीको आउटडोर शूट्स कर अचा पो बैग पार्लर जहाँ जो गर्ल्स कॉम्पिटिशन हले पो सुे लाइव ना वरी संडे वे ढी लाइव हों आचर वे ढी ठीक है। ये जितना एपिसोड हों तेस में पा ही तक अनाउंस कदम लेकिन हर सैटरडे वे ढी असो ऑफ हों उन ढी वो प्रोग्राम रिकॉर्डेड हलन जो आउटडोर वही कर अचान ठीक है। बाकी रेसिपी ऐसो स्क्रीन का नंबर हले पे कॉल कर सको तो आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं रजब का महीना है तो इसमें काफ़ी सारी वैरायटी होती है खासकर जो फरमाइश आ रही मीठी टिक्कियों की तो मीठी टिक्कियाँ बनाना सिखा रहा हूँ बहुत ही मज़े की बनती हैं बना के इसको काफ़ी दिनों तक रख सकते हैं ठीक है। एयर टाइट जार में रख दें या किसी ऐसे कागज़ का जो बैग होता है ब्राउन वाला थैली होती है उसके अंदर भी बंद करके रख सकती हैं तो ख़राब नहीं होती। उसके साथ खीर बनाना सिखा रहा हूँ और उसके अलावा एक समोसे बनते हैं पूरी भी उसे कहते हैं जिसके अंदर फिलिंग होती है खोया और मिक्स ड्राई फ्रूट्स की फिलिंग होती है सूजी के साथ वो बनाना सिखा रहा हूँ। तीनों रेसिपीज़ नोट कीजिएगा सुबह 11 बजे रिपीट चल रहा है कुकिंग विद शेफ से मेरा पेज में रेसिपी अपलोड हो जाएगी। सैटरडे को रिपीट चलता है सॉरी रिकॉर्डेड शो चलता है मैं आउटडोर जो करके आया हूँ बैक कॉलर के वो कंपटीशन चल रहे हैं तो हर सैटरडे वाले दिन चलेगा। हम लाइव जो होंगे अब जुमेरात जुम्मा और इतवार वाले दिन तीन दिन लाइव होंगे और सैटरडे वाले दिन हमारा ऑफ हुआ करेगा ठीक है। किचन में चलते हैं और रेसिपी देखते हैं कि कितनी क्वान्टिटी में आपको बताता हूँ बनानी हमने। अच्छा हाँ जो रेसिपी असं स्टार्ट कंदासीं सभी का पहले मैं सोचा पो खीरणी स्टार्ट किया खीरणी ठाण में थोड़ो टाइम लगन दो तो खीरणी में जडे खीर बॉयल थो चावर विझबाइन तो उनमें टाइम लगे तो इतने असा सभी का पहले खीरणी स्टार्ट क्यों था हम क्या करते हैं सबसे पहले खीर बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए एक लीटर से डेढ़ लीटर जितना दूध आपने लेना है ये तकरीबन सवा से डेढ़ लीटर दूध है इसको आपने बॉयल करना है हल्की आंच पे ठीक है। जब दूध हमारा बॉयल हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे चावल भिगे हुए ठीक है। चावल हमने लेना है पौना कप भिगा हुआ चावल को दो घंटे आपने भिगो के रखने हैं तकरीबन पौना कप भिगो के रखना है ठीक है। चावर जेका सवा का डेढ़ लीटर खीर में मुनो कप चावर कड़ा भी चावर हुजन उनके ब कलाक पिसाए रखो गर्म पानी में ये चावर कोशिश कजो टोटा चावर जो हूँ उठा हूँ ठीक है। ये चावर पिसाए रखा इन में पानी कटी ये चावर विझबा इनमें गड एक किलो के हिसाब से 12 चमचा टेबल स्पून जो 12 खंड जो चमचा खंड विझबी अगर सवा का डेढ़ किलो है तो 15 का 16 टेबल स्पून खाने वाला चमचा विझो ठीक है। खंड इतने स्टार्ट क्यों था खीर असो बॉयल थे ठीक है। दूध हमारा बॉयल हुआ है इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे जो चावल भिगो के रखे थे इसका पानी निकाल देते हैं पानी कटी था उठो चावल जो सजो पानी कढ़ने का ब कलाक पिसाए रखो चावर उन चावर अस विझी छी खीर में ठीक है। एक चौथाई कप है चावल 1/4 कप और इसको हमने क्या करना है मिक्स करना है इसके अंदर। अच्छा जब आप खीर बनाते तो स्पून मुसलसल चलाया करें क्योंकि जब चावल होता है उसके अंदर निशास्ता होता है ठीक है स्टार्च निकलता है तो वो क्या होता है नीचे लगना शुरू हो जाते हैं तो इस वजह से हल्की आँच पर बनाएं खीर और उसके साथ आपने क्या करना है इसमें स्पून चलाते रहना ठीक है। अच्छा अगर चावल नहीं डालना चाहें तो फिर आप चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। चावल का आटा एक लीटर दूध के हिसाब से 4 से 5 टेबल स्पून चावल का आटा ठंडे दूध में एक कप में मिक्स करके वो भी डाल सकते हैं वो फिरनी टाइप की बन जाएगी ठीक है। वो उसमें दाना नहीं आएगा फिरनी बन जाती है और जो खीर होती है उसमें दाना दाना होता है क्योंकि उसमें चावल होते हैं ठीक है। फिरनी होंगी अलग फिरनी लाए तो चावर जो अटो खणो एक लीटर खीर लाए 4 खां 5 टेबल स्पून चावर जो अटो एक कप थदे खीर में विझी मिक्स कजो ताकि उनके अंदर गंढा ना ठहन वो खीर में वो जो चावर वो खीर हों वो खीर में विझी छो बॉयल खीर में इनकी हल्की बाहि तो पचाई तो जैसे घाटो थो खंड भी छजो मजीद पचाजो इलायची जो पाउडर ये सब विझी वह थी फिरनी ठीक है। वो बिल्कुल पेस्ट वागर होंगी मज़ेदार होंगी वो भी जमी वी जो खीरणी होंगी उनमें धाणो होंगे छाकाण तो खीरणी चावर से ठहंदी है वो फिरनी में पीठल चावर होंगे इतने जो ही चावर अस विधा इनके मिक्स कंदासी चावल हमने मिक्स करना है हल्की आंच कर देते हैं पहले मैंने चूल्हा तेज़ किया था हल्का कर देते हैं ठीक है। ये हल्की आंच पे हमारे
दूध में ही चावल डाल दिए, इसको पकने देते हैं। साथ ही हम इसमें डालेंगे एक कप चीनी, एक से सवा कप डाल दूँ, ठीक है, एक से सवा कप चीनी मैं इसमें डालूंगा। ये मेरे पास मेजरमेंट कप है, ये देखें आप, इस तरह का कप है, दिसो इन टाइप जो कप्स मिली था ना, मेजरमेंट कप है, ये मत्था लिखेल हूँ, वन कप, हाफ कप, टू वन एंड हाफ कप, क्वार्टर, ये सब मिली वा, ठीक है, इस तरह ये मिल जाते हैं। तो ये मैं पूरा मेजरमेंट करके इसमें चीनी डाल रहा हूँ, एक कप, ये तकरीबन सवा लीटर जितना दूध लग रहा है मुझे, ठीक है। तो मैं इसमें एक कप और तीन खाने के चम्मच एक्स्ट्रा, बाद में चीनी हम डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हो जाए मीठा तो उसे हम कम नहीं कर सकते, लेकिन मीठा कम हो तो हम इसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आपने इसमें चीनी डाली, चावल डाले, अब हम इसमें क्या डालेंगे, इलायची का पाउडर। हाने में मैं खंड भी दी, सवा कप खंड भी दिया, ठीक है, तकरीबन सवा लीटर के हिसाब से सवा कप खंडा है, 12 कप 15 टेबल स्पून खंड भी दी, ठीक है, डेढ़ लीटर ताईं चावल विधा खंड भी दी, इनके मिक्स कंदा हो। हाने से छा कंदासी नंडे फोटन जो पाउडर, यो विझंदासी एक चाय जो चमचो, तकरीबन 12 अदर नंडा फोटा उनके पीसे, पीसण का पो छा कंदो, उन्हें जी खल जेका हुंदी है वो हटाई छजो, तो ही पाउडर फॉर्म में चिंदो, ठीक है। ये विझंदासी एक चाय जो चमचो, 12 अदर छोटी इलायची ली, उसको हमने पीस लेना है। पीसने के बाद आपने क्या करना है, उसका जो छिलका होता है वो अलग से निकाल दें और इसको आपने फिर मिक्स करना है ताकि इसके अंदर खुशबू आ जाएगी। अब इसको हम चूल्हे पे हल्की आंच पे पकाते रहेंगे, जब ये गाढ़ी होने लगेगी बिल्कुल आप देखेंगे, फिर इसमें हम खोया मिलाएंगे, एक कप जितना खोया, फिक्को माओ, फीका खोया मिल जाता है, अगर खोया नहीं है तो ना डालें ज़रूरी नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा मज़ेदार हो जाती है। फिक्को माओ मिली वो अध पा जो हथ से भोरे इन अंदर विझन, आखिर में इनके मिक्स कर डिश आउट कर छंदी, थदी थी उनके बदाम पिस्तो विझे असके पचाईंदी, ठीक है, और थदो करे सर्व कंदी। ये जब तक हल्की आंच पे अब ये पकती रहेगी, इसकी आंच हल्की कर दी, अब हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं जो हमने बनानी है पूरी के लिए, जो समोसों की डो बनेगी वो बनाते हैं, ठीक है। इन लाइन असा एक प्यालो खपे, एक प्याला लेते हैं, इसमें हमने मैदा कितना लेना है, मैदा हमने इसमें ले लेना है तकरीबन कितना, 2 कप जितना, ठीक है। ये मैं क्वांटिटी आपके हिसाब से कम बना रहा हूँ, अगर आपने ज़्यादा बनानी नहीं आज है तो फिर आप वो कर दें। एक पाव मैदा है, ठीक है, एक पाव मैदा हमने ले लिया, एक पाव मैदा, और इसमें हमने ये ना खपे मुखे, एक पाव मैदा हमने लिया, ठीक है, इसमें हम डालेंगे बनस्पति घी, बनस्पति घी, बनस्पति घी हम कितना डालेंगे इसमें, 2 खाने के चम्मच, 2 खाने के चम्मच बनस्पति घी, ठीक है। ये डालने के बाद हम इसमें हसब ज़रूरत पानी डाल के और इसका सख्त आटा गूंदेंगे। सख्त आटा गूंदने के बाद हमने क्या करना है, इसको रख देना है 15 मिनट कवर करके, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी छोटी छोटी पूरियाँ बेलनी, वो मैं तरीका बताऊँगा। हिते मूँग एक पा मैदो खाया है, इनमें 2 खाने के चम्मच विधो है बनस्पति घी, ठीक है। आई पानी की मदद से इनके घट घट पानी विच पहले इनके मिक्स कबो, चंगी तरह मिक्स करने का पोह इनके सख्त अटो गोई इनके तां रखी छदंदो तकरीबन 15 मिनट, उनके पोह इनकी मानियो वेल भी नंडियो जी पूरी की ठंडी वो तांके मैं बाद में बताया तो, ठीक है। हाला ये मुझे आटा सख्त गूंद के दे दें आप, ठीक है, हे अटो मैं दई तो छा जेस तीन गोई रखन असा बो अटो ठाऊँ था मिठी टिक्कीन जो, ठीक है। जब तक ये मैं भेज देता हूँ, ये रही छो सख्त आटा गूंद के मुझे 15 मिनट बाद दे दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे स्पून चलाना है ताकि चावल लगे ना नीचे, ठीक है। चावल को 2 से 3 घंटे आपने भिगो के रखना है, चावल के 2 टे कलाक तक पिसाए रखना, अच्छी तरह इसमें स्पून चलाते रहें ताकि चीनी भी हल हो जाए, चीनी अपना पानी भी छोड़ती है, 10 मिनट तक चीनी डिजॉल्व होती है, इसका पानी उसमें निकलता है, पानी निकलने के बाद वो खुद ही फिर मीठापन इसके अंदर आने छोड़ जाता है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, थर्ड आनी है रेसिपी, थर्ड क्या है हमारी, वो है मीठी टिक्कियाँ। मीठी टिक्कियाँ के लिए हमें क्या चाहिए, एक बॉल, इसमें हम डालेंगे 2 कप मैदा, इनमें भी जंदा सी 2 कप मैदो, ठीक है। मीठी टिक्कियाँ के लिए 2 कप मैदा तकरीबन ये 1 पाव बन जाता है। कॉल बैठूँ था, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, शक्कर से बोल रहा हूँ, मलक मोहम्मद याकूब। जी भाई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, आपका प्रोग्राम जो है बड़ा अच्छा है माशाल्लाह से। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। बच्चे जो है बहुत शौक से देखते हैं। थैंक यू। आप ऐसे प्रोग्राम शक्कर भी करें ना? सखर अभी तो मैं आया था, लास्ट वीक कुकिंग कंपटीशन करवा के गए, गर्ल्स डिग्री कॉलेज था, पता नहीं कौन से सिटी में था, सखर सिटी में था वो।
पीटीसी कोर्ट के बराबर में आया था, मैं अभी लास्ट वीक वहाँ पे शो करके आया हूँ। जी जी ठीक है ना, कोई फरमाइश आपकी? बस फरमाइश तो आप सारी पूरी कर देते हैं, लेकिन वो मछली जो है ये अपना जाम शोरों के नजदीक जो है वो एक दफा प्रोग्राम किया था आपने। जी जी मछली का बता दें, ये मछली जो है कौन सी सबसे अच्छी होती है? मछली सखर में तो मीठे पानी की मिलती है ना मछली, अगर समंदर की तो उसमें से जो भी आपको अच्छी लगे आप बना लें जो आप खाते हैं। अच्छा तो कभी मछली जो है वो बनाकर आप दिखा दें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अभी तो बहुत ज्यादा गर्मियां हैं, कुछ दिन रुक जाए, मैं रमजान से पहले बना दूंगा एक दो डिशेस। ठीक है अच्छा, सखर में प्रोग्राम कराना चाहें? जी प्रोग्राम कराना चाहें सखर में? ये आप कंट्रोल रूम में बात कर लें, ठीक है, डायरेक्टर साहब से मिले। ओके थैंक यू। अच्छा ब कप असा हिते मैदो खायो, ठीक है, इनमें असा मुन्नो कप 1/4 कप असा खंडासी सूजी सेमोलिना, ठीक है, एक चौथाई कप हमने सूजी लेनी है, एक कप से थोड़ी कम, ठीक है, ये मेजरमेंट देख लें, एक कप से एक चौथाई कप, 3/4 कप कहेंगे इसे, एक चौथाई कप हमने सूजी डाल दी, ब कप मैदो, एक चौथाई कप अध का मुन्नो कप मथे होंगे, ठीक है, 70% टे चौथाई कप इतने सूजी विधी, ठीक है, सूजी विधण का पॉइंट में विझा अच्छा तिर अध कप तकरीबन 4 खंड जा चमचा अच्छा वारा तिर, सफ़ेद तिल हम डालेंगे 4 टेबल स्पून, ठीक है, 4 टेबल स्पून हमने सफ़ेद तिल डाल दिए, ये ऑप्शनल है अगर ना डालना चाहें, बहुत से लोग नहीं डालते, लेकिन इससे क्या होगा आपकी मीठी टिकिया बहुत ज़बरदस्त बनेगी, ठीक है, ये डाल दिया। इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें डालना है पिसा हुआ नारियल, पिसा हुआ नारियल कितना मैं डालूँ, 2 खाने के चम्मच भर के, 2 खाने जा चमचा इनमें विझंदासी पीठल डूंगी, ठीक है, पीठल डूंगी हली वही आई इलायची पाउडर वेंदो नंढे फोटन जो पाउडर, एक चाय जो चमचो नंढे फोटन जो पाउडर, ठीक है, 2 कप मैदो यानी 1 पाव मैदो हली वो इनमें मुन्नो कप असा विझंदासी सूजी, ठीक है, 1 चाय जो चमचो नंढे फोटन जो पाउडर बिल्कुल छिलको हटाई विझो, ठीक है, उन सा गड अच्छा तिर विझो 4 खाण जा चमचा पीठल डूंगी 2 खां 3 खाण जा चमचा विझी इनके मिक्स कंदासीं, ठीक है, 1 पाव मैदा है 2 कप मैदा पूरा 1 पाव बन गया, ठीक है, 1 पाव मैदा इसमें हमने 1/4 कप हेवट्सो 1/4 कप हमने इसमें क्या डालना है, 1/4 कप हमने सूजी डालनी है, उसके साथ 1 चाय का चम्मच मैंने ये देखें बहुत अच्छा गूंद के इन्होंने दिया, थैंक यू, 1/4 कप हमने इसमें सूजी डाली है, 2 कप मैदा है, 1 चाय का चम्मच इलायची का पाउडर है, 2 खाने के चम्मच पिसा हुआ नारियल और 3-4 खाने के चम्मच अपने तिल वाइट वाले डाल देने, इसको अच्छी तरह मिक्स करके हम साइड में रखते हैं, ठीक है, अब इसको जिस तरह गूंदना है उसका तरीका बताता हूँ कि गूंदना किस तरह है, बल्कि यही वाला बॉल ले लेते हैं, गूंदने के लिए हमें चाहिए 1/2 कप दूध, 1/2 कप खीर, ठीक है, गौर सा डिसजो 1/2 कप खीर आई इनमें भी जंदासी वनस्पति घी 4 टेबल स्पून 4 टेबल स्पून वनस्पति घी भर के डालना है, ठीक है, इस तरह फुल 4 खाने के चम्मच वनस्पति घी चला गया, ठीक है, ये डालने के बाद हम इसमें क्या डालेंगे, चीनी, चीनी हमने कितनी डालनी है, इसमें 1 कप डालनी है चीनी, तो मैं इसमें नाप के डाल रहा हूँ, ठीक है, 1 कप चीनी इसके अंदर जाएगी, ये मीठी टिकिया इस तरह बनती है, ठीक है, 1 से 1.25 कप आपने चीनी डालनी है, ये चीनी चली गई इसके अंदर, ठीक है, इसको अच्छी तरह मिक्स करें, 1/2 कप दूध 3-4 खाने के चम्मच वनस्पति घी, ठीक है, उसके बाद आपने इसमें 1 कप चीनी डालनी 1 से 1.25 कप चीनी, इसको अच्छी तरह मिक्स करें, 1 कप का 1.25 कप खंड खड़न दो, ठीक है, 1/2 कप खीर थदो खीर हुए गर्म खीर ना हो जाए, ठीक है, नॉर्मल खीर हुए आई हमने से अगर वनस्पति घी 3-4 खाने से चमचा इनमें विझी छोड़ो इनके चंगी तरह मिक्स करना सी, और ये जो मिक्सचर है इससे हमने ये आटा गूंदना है, ठीक है, मीठी टिकिया का आटा हम इससे गूंदेंगे, पूरा एक साथ नहीं डलेगा, थोड़ा थोड़ा डालते जाए, भुरभुरा होगा आटा पहले, उसके बाद फिर आपने ज़रूरी नहीं कि इस साल इसमें अगर बचता है तो फिर आप इसको बचा सकती हैं, आप इसमें मैदा बढ़ा सकती हैं, ठीक है, लेकिन ये पूरा इसकी मेजरमेंट से मैं बता रहा हूँ कि इसमें हो जाएगा, और इसको फिर आपने 1 घंटा आटे को गूंद के रखना, उसके बाद आप इसकी टिकिया काट के आपने बनानी, अच्छी तरह डिसॉल्व करना है, 1/2 कप खीर 3-4 खाण जा चमचा वनस्पति घी आई 1.25 कप जितनी खंड, ठीक है, ये हो गया जी, कॉल बैठूँ था, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वॉल्यूम बताइए जो आवाज ना पीछे। जी क्या बोल रहे हैं? हेलो खालिद, आवाज ना पीछे बिल्कुल। टीवी जो वॉल्यूम घट करे गलाइंदा कयो, मेहरबानी करे बंद कंदा कयो, बे रूम में वनी गलाइंदा कयो, छकण त पो मुखे इते लाइन तां जी बिल्कुल डिस्टर्ब अचे थी, मुंजी आवाज तां जे घरा फिरी वापस अचे भई। अच्छा हे मां मोकलिया तो, मां तरीको बुधाई तो छना। थोड़ा हम डालते हैं इसमें से मिक्सचर, ठीक है, थोड़ा मिक्सचर इसमें डालेंगे, इसको आपने मिक्स करना है, बाकी मैं हाला से गूंदवाता हूं। इसको अच्छी तरह डो को यूं मिक्स करना है, ठीक है, थोड़ो थोड़ो मिक्सचर इन अंदर विधो खंड से गड, खंड चाहे तो पीसे भी विझी सको था, ठीक है। थोड़ा थोड़ा चीनी को अच्छी तरह डिजोल्व करना है इसके अंदर, घी और दूध के अंदर। उसके बाद हल्का हल्का डालना है, बहुत ज़्यादा नरम ना हो जाए, ठीक है। ये सख्त डो गूंदेंगे, इसकी गूंद के आपने एक घंटा रखनी है। बहुत ही मज़ेदार ये मीठी टिक्कियाँ बनेंगी, और ये आपके सामने मैं फिर बनाता हूँ, ठीक है। अच्छी तरह इसको मिक्स करें, अगेन इसके अंदर से मिक्स कर करके डालें, ठीक है, वो चीनी नीचे बैठ जाती है। थोड़ा थोड़ा मिक्सचर इस तरह डालते जाएं, फिर ऐसो जेतरी मेजरमेंट मां तांके बुधाई बिल्कुल ही परफेक्ट है जेला। इनमें वधिक ना पानी विझो, पानी जो तो एडिशन करनी ना है, ठीक है। पानी से छा थींदो टिक्कियूं जॾहिं ठाहींदो टुटी पवंदो क्रैक थींदो। अभी हमारी जितनी मेजरमेंट थी, आधा कप दूध, 3 से 4 खाने के चम्मच घी, ठीक है, और उसमें 1/4 कप चीनी, उसको अच्छी तरह डिसॉल्व करके अब ये मिक्स कर दिया मैंने। इसको हम गूंदवाते हैं, ये भेज दें गूंदने के लिए, अच्छी तरह इसको सख्त आटा गूंद के दें, ठीक है। 2 कप मैदा, 1/4 कप सूजी, ठीक है, 1 चाय का चम्मच इलायची पाउडर, 3 से 4 खाने के चम्मच वाइट तिल, और 2 खाने के चम्मच पिसा हुआ नारियल, और 1 चाय का चम्मच इलायची पाउडर। इसको मिक्स करके रखें, फिर एक प्याली में आपने 1/2 कप दूध लेना है, ठंडा हो, नीम गर्म दूध, बनस्पति घी 3 से 4 खाने के चम्मच लें, और उसके साथ आपने चीनी 1/4 कप डाल के, चीनी को पीस के डालने ज़्यादा बेस्ट है। अच्छी तरह बीट करें, बिल्कुल वो मिक्सचर बन जाएगा। फिर उस मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा मिलाते जाएं उस मैदे और सूजी के साथ, डो बनाएं और अच्छी तरह उसको गूंद के आटा बना के, इसका सख्त आटा बना के उसको आपने 1 घंटा छोड़ देना है। उसके बाद आपने इसको बेल के, इसके कटर से हम कटिंग करके, ग्लास से कटर से इसकी टिक्कियाँ बना के उसको डीप फ्राई करना है घी, बनस्पति घी में, और मज़ेदार बनेंगी, ठीक है। वरी रिपीट कराएं पियो, अगर तांका मिस थी वही हुए, 2 कप मैदो, 3/4 कप सूजी, 1 चाय जो चमचो नंडे फोटन जो पाउडर, अच्छा तिर 3 खां 4 खाइण जा चमचा, 2 खाइण जा चमचा डूंगी, ये सब मिक्स करे रखी छजो, 1 चाय जो चमचो नंडे फोटन जो पाउडर, छिलका हटाई छजो, ठीक है। पोइ 1 प्याले में 1/2 कप खीर, नीम गरम हुजे या थदो हुजे नॉर्मल, ठीक है, 1/2 कप खीर, 3 खां 4 खाइण जा चमचा तव्हां में विझंदो बनस्पति घी, हुन सां गॾु 1/4 कप तव्हां खणंदो खंड, ठीक है, खंड पीसे विझिजो, वधिक बेस्ट है। चंगी तरह फेटजो, उनके फेटंदे फेटंदे बिल्कुल क्रीम वांगर थी वेंदो मिक्सचर। उन मिक्सचर से तांके अट्टो गोइणो है, थोड़ो थोड़ो करी उनके मिक्स कजो, और अट्टो गोई 1 कलाक सख्त अट्टो गोई रखो, पानी जो इस्तेमाल ना करो, ठीक है। इतने खीरनी ऐसा तैयार थे भाई, ये खीर हमारी हो रही है तैयार। जब तक इसको यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, और हमने क्या करना है, जो दूसरा मिक्सचर बनाना है समोसों के लिए, मीठे समोसे जो बनते हैं उसमें हमने क्या क्या ऐड करना है वो मिक्सचर देखते हैं। ये हल्की बाहे से करते चलो ताकि खीरणी तांजी पचंदी रहे। हाँ खड़ंदासी फ्राइंग पैन, ठीक है, फ्राइंग पैन में हमने क्या डालना है, बनस्पति घी, यहीं कढ़ाई से ले लेते हैं, 2 खाने के चम्मच बनस्पति घी, बल्कि 1.5 खाने का चम्मच, बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। ब्रेक जो टाइम थे पे चूल्हो बंद कयूं था, ठीक है, ब्रेक खां पोइ रेसिपी कंटिन्यू कंदासीं। वेलकम अजीज, ब्रेक तक का पहली तीन सामू जो खीरणी ठही पे, हाँ घाटी थियण लगी है, जैसे घाटी थिए तो इनमें असं विझासी केवड़ा वाटर, ठीक है, अरके गुलाब या केवड़ा वाटर विझासी 1 चाय जो चमचो। इसमें मैंने केवड़ा वाटर डाल दिया, जब खीर आपकी गाढ़ी होने लगे कॉल बैठू था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं, आपका गायब है। अरे मैं बस थोड़ा सा क्या बताऊं, मैं जब मिलोगे तो फिर बताऊंगी। अच्छा चलें ठीक है, और कैसी हैं? बस
बस अल्लाह का शुक्र, देख रही थी मैं प्रोग्राम आपका, मैंने देखा आधा प्रोग्राम। वॉल्यूम बताए जो थोड़ो। मैंने कहा मैंने आधा प्रोग्राम देखा था, फिर मैंने रिपीट में देखा है। अच्छा, वो लाइट अभी भी नहीं है। अच्छा अच्छा, दो दिन हो गए, बुखार आ गया है लाइट को। लाइट को बुखार आ गया, लू लग गई होगी। हाँ, और बाकी मैंने आपकी रेसिपियाँ बनाई, कल की जो रेसिपी आपकी कजन ने बनाई थी बेहतरीन बनी हुई थी, बहुत अच्छी। हाँ, आपने मुझे पोस्ट भी कर दी वो रेसिपी ना। हाँ, आइसक्रीम भी बनाई मैंने, और शिमला मिर्च कीमा बनाया, चरगा बनाया। अच्छा चले, शिमला मिर्च कीमा तो मैंने एक ही दिन में बनाए थे, दो डिशे। अच्छा चले, अच्छी बात है, दावत की थी ना बच्चों की। हाँ हाँ, इसलिए, और बहुत अच्छा रहा। और आप सुनाए? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। आज क्या बन रहा है? आज लाइट नहीं है। नहीं आज वो असल में रज्जब के कुंडे वगैरह आ रहे हैं ना, तो फरमाइश आ रही थी मीठी टिकिया और वो जो मेवे वाले समोसे होते हैं भरे हुए, खोया सूजी वगैरह होती है इसके अंदर। अच्छा, और मी... तो मुझे सब आता है लेकिन मैं देख लूंगी फिर। अच्छा चले, हाँ अच्छा, साढ़े पाँच तक आ जाए लाइट। अच्छा चले, आ जाए, अच्छी बात है। अच्छा, पूरी टीम को मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। सारे बच्चे जो है ना अच्छे नंबरों से पास हो गए आपके, माशाल्लाह 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 सब जी, मेरे भी बच्चे नवासा आपका। हाँ जी माशाल्लाह, वन ग्रेड, अच्छी बात है, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। चले थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अच्छा हिते मां छा कयो जी, कॉल अची हुई फरजाना छा कयो जी, हुनी दौरान महीने में छा कयो अध पा माओ फिको माओ हिन अंदर विधो है, ठीक है, आई केवड़ा वाटर विधो, फिको माओ विधो, इनके मिक्स किया, ठीक है। जब कॉल ले रहा था तो उस वक्त मैंने इसमें क्या किया, जब आप देखेंगे खीर गाढ़ी हो गई, इसमें मैंने अरके गुलाब या केवड़ा वाटर एक चाय का चम्मच डाल दिया, क्योंकि इलायची का पाउडर भी हमने एक चाय का चम्मच डाल दिया था, बहुत ज़्यादा इसमें खुशबू भी ना हो जाए एक्स्ट्रा। उसके बाद मैंने इसमें खोया डाला है आधा पाव, ठीक है, आधा पाव खोया बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल बेस्ट है एक से डेढ़ किलो खीर के लिए, अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो डाल सकती हैं, वैसे मेरे ख्याल में आधा पाव खोया काफ़ी होता है, ठीक है। मैं एक पाव पड़ा था तो ये मैंने डाला, मिक्स किया और चूल्हा बंद कर देते हैं। चूल्हा बंद करने के बाद क्या करेंगे, इसको डिश आउट करते हैं और इसको आपने ठंडा करके बिल्कुल सर्व करना है, ठीक है। डिश में कटूँ था खीरणी, ये खीर हो गई हमारी तैयार, ठीक है। इसको आपने निकाल के ठंडा करके फिर फ्रिज में रखना है, पहले पंखे के नीचे रख दें दो तीन घंटे, जब बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे ठंडी हो जाए फिर आप फ्रिज में रख के इसको आपने सर्व करना है, ठीक है। इसके ऊपर हम लगाएंगे चांदी का वर्क जी। कॉल बैठू था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मदद किया है? बिल्कुल ठीक ठाक, अदी कह रहे हैं कि था गलायो पे आदा मैसे जल्दी से पहले जो था जी। छा हालें था जा? बिल्कुल ठीक, कमा बता रहा था लास्ट वीक ना होया ला इस पे से रहे प्रोग्राम के जी। अदी लास्ट वीक कमा कौन होया ला इस पे से कहां शो के लास्ट वीक में सखर में होम हो जे का कंपटीशन हलन पिया ना हनला बना पियो जी जी दा जी। इंशाल्लाह हाने बिल्कुल लाइव हुंदा सी थी वे सब होते रिकॉर्डिंग्स वगैरह थी वही में तो इंशाल्लाह हाने कर जी 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 जो सब ठीक है दा। अल्लाह जो शुक्र ता को फरमाइश आ दी ना दा, कल दिदो ता दी कजन वालो पर लाइक चली वही ना, रिपीट में भी लाइक नो होई तो डिश ही कोन सके। अच्छा मैं पेज ते विजी चलिया रेसिपी विजी चंदा मजी ता वो रिसीवर जो YouTube ते भी अपलोड थी व्यूअर प्रोग्राम। हां दा वो मामले ते डिश वटन ते मेरे वेजर ना ते अचन YouTube ते ना प्रोग्राम पहले अचन क्या ना रात जो अपलोड थी विंदो आ सेम डे ते ना थी विंदो ऐसा रात में आज। हां कल वारो भी थी व्यूअर आज जो 9 बजे ताई अपलोड थी व्यूअर। हां का मैं पहले नंबर की तरह तो दिखा रही थी कल जो कान जी की बनाई ना जी जी। हां तो शो नदी से जगह से लाइट चली गई अभी वाली आ रही बजे भी इत्तेफाक से आ ली गई जो हमें खबर ना मन छोटा रन की हुआ। हां आजकल लाइट जो इलाही इशू हले पियो ना। हां आधा है कहां भी थी। हेलो ठीक है पंजो खोड़ सारो ख्याल रखो, ठीक है दी, थैंक यू फॉर कॉलिंग जी जी। ओके जी दी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा हिते असन छागंदा सी एक खाने से चमचो बनस्पति घी खाया, ठीक है, एक टेबल स्पून बनस्पति घी लिया। इसमें हमने क्या करना है, ये डालने किशमिश, ठीक है, किशमिश हमने आधा कप डाल देने, ठीक है। किशमिश डालने के साथ यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ पिसा कुटा हुआ नारियल जो चॉप किया हुआ होता है, ये भी हाफ कप ले लें। सेम क्वान्टिटी में नारियल ले लिया, किशमिश ले लिया और उसी क्वांटिटी में हमने इसमें बादाम डाल दिया। ड्राई फ्रूट आप जो भी यूज़ करना चाहें अप टू यू, ठीक है। ड्राई फ्रूट देखो जो भी तुम यूज़ करना चाहो करे सको था। मां हिते छा कयो कटियल डूंगी है आई किशमिश है और उनसा गट बादाम है, ये टे शयूँ विधियो। इन सा गट असि विझंदी सूजी, सूजी चार खाने जा चमचा, 4 टेबल स्पून सूजी डाल दी। इसको हल्का सा हल्की आंच पे भूने, ठीक है, 4 टेबल स्पून सूजी डाल दी।
ये समोसे बनते हैं मीठे जो रजब में हम बनाते हैं कुंडों में, और वैसे भी आप बनाएं बच्चों के लिए, अपने लिए बहुत मज़े के बनते हैं। ठीक है, ये कुंडा जो रजब जो हूँ मिठी टिक्कियों भी ठादियों हैं, इन टाइप जो समोसा ठादा है, तो ये सब शयूँ तक सिखारा पे सूजी विझी गड्ढी इनके हल्की बाहि से पचाईंदी ताकि ड्राई फ्रूट्स भी असो रोज थी वे सूजी से गड सूजी जो कच्चोपन भी खत्म थी वे। हल्की अंश करते हैं। अच्छा, चीनी अभी नहीं मिलाएंगे। चीनी इसमें क्या होता है, जब हम इसको ठंडा कर देते हैं उसके बाद मिलाते हैं, वरना चीनी इसमें मिलाएंगे तो कैरामेल सी हो जाती है, वो ब्राउन हो जाएगी, जल जाएगी, तो उसका फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, वो पीसेस बन जाएंगे। इनके बटर मिंट भुंजंदासी, भुंजण का पॉइंट में विझंदासी। पीठल डूंगी, पिसा हुआ नारियल भी जाएगा इसमें। ठीक है, 3-4 टेबल स्पून पिसा हुआ नारियल चला गया। ठीक है, कटियल नारियल भी आया, पीठल भी आया, ये सब मिला के तकरीबन 2-3 कप बन जाएगा, 2 कप 2.5 कप इतना बन जाएगा। हाफ हाफ कप सारी ले लें, लेकिन जितने ज़्यादा आप बनाएंगे उसकी क्वांटिटी आपने बढ़ाते जाना है उसकी। ठीक है, हो गया, जले ना, इस चीज़ का ख्याल रखना है। और इसको फिर हमने क्या करना है, एक प्लेटर में निकाल के इसको ठंडा करना है। कॉल बैठूँ था, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कह रहे हैं कितना गलाया प्या? हाँ, हैदराबाद तो निकल आए हैं, मुझे नालो मुनावर सुल्तान है लगारी बलोच जी। अंधी कुछ चैन चाहिए दो अदा फैसल था एक रेसिपी पचाई हुई उन्हें जो नालो हो केवड़ा जी। अंधी वरी बुदाए छापे चाओ मिठी मिठी डिश पचाई हुई लाई हफ्ता पहरी उन्हें के तहां केवड़ा पचायो। केवड़ा के सिंधी में क्या चवंदा है ना, केवड़ो जेको होंदो है ना, ये वाटर होंदो है, पानी होंदो है खुशबू वारो। ना 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 ना, वो पीऊं पीऊं जेके हुंदा चावरन जा ठहल वरी बुदाए जो पीऊं चंदा है सिंधी में पीऊं पीऊं। हां ठीक है, चावरन जा जेके हुंदा है, हां चेवड़ा चेवड़ा। ठीक है ठीक है, हां ताजे प्रोग्राम दाडो छुआ सई हर रेसिपी ट्राई कंदा हूं। मेहरबानी, तमाम घणी को फरमाइश आदी ताजे। हां फरमाइश है तो यो ताका मिठी डिश नहीं का मिठी सई हुंदे पास्ता सई। पास्ता सई जी, वो ठाण सिखारियो मीठे में। हां मीठे में, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं नोट करी तो बैठा, इंशाल्लाह जल्द ठाइंदा सी। ठीक है ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, यहां पे हमने क्या किया, इसको ठंडा करते वक्त इसमें हमने इलायची का पाउडर डाल देना है 1 चाय का चम्मच। हाँ ऐसा विझंदी नंढे फोटन जो पाउडर 1 चाय जो चमचो। ठीक है, जैसे थदी थी वी इनमें विझंदी 1/2 कप जितनी खंड, 1/2 कप चीनी इसके अंदर मिला देंगे। ठीक है, ये होता है जो इसके अंदर फिल होता है मीठे समोसों में। ठीक है, चीनी जब प्लेट में निकाल के फिर आपने इसमें मिक्स करनी है। ठीक है, खंड इनके अंदर 1/2 कप 1/2 कप खंड विझंदी आई नंढे फोटन जो पाउडर इलायची पाउडर भी छोड़ो, ढी जबरदस्त इनकी खुशबू अचे पे इनके थदो क्यों तो पंजी फिलिंग करना सी। ठीक है, अब इसको ठंडा करें, इसकी फिलिंग होगी। अब मैं इसमें डालूंगा खोया। ठीक है, ये खोया इसके अंदर चला जाएगा, फैला के रखें ताकि ये अच्छा सा ठंडा हो जाए। ठीक है, इस तरह इसको मिक्स करें, खोए को भी इसके अंदर पिको माओ। ये मज़ेदार ठंडी है, ढी जबरदस्त ठंडी है, इनका लड्डू भी ठाई सको तो अगर माओ तुम 1/2 किलो आए तो इनका लड्डू भी ठही वा। ठीक है, अगर इसके अंदर आप 1/2 किलो खोया मिक्स करती हैं फिर हाथ से इसको प्रेस करके और घी लगा के हाथ पे बटर, इसके आप लड्डू भी बना सकती हैं, ड्राई फ्रूट के लड्डू बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी गर्मी है तो ये चीज़ें हम खाते नहीं हैं, लेकिन ये आप बनाएं, ये वाले समोसे बहुत ही मज़े के बनते हैं रजब में, खासकर ये जो महीना होता है। ठीक है, हाने ये सब हटाई था, चलो इतना शयूँ आई हाने कंदी टिक्कियों ठाईंदी आई समोसन की फिलिंग कंदी। ठीक है, पहली मां काउंटर क्लियर कर छा। अब हम क्या करेंगे, मीठी टिक्कियां बनाएंगे और उसके साथ हम ये भरे हुए समोसे बनाएंगे। खीर आपके सामने मैंने बना दी है। ठीक है, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप कॉल करके पूछ सकती हैं और स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। ठीक है, और इसके अलावा ये सुबह रिपीट चलेगा 11 बजे। ठीक है, हाँ कंदी मिठी टिक्कियों ठाईंदी, ये जो अट्टो असो मिठी टिक्कियों जो इनमें 1/2 खड़ी था पे। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह इस तरह सेट करना है, हाथ से बल्कि इस तरह करके इसको सेट करते हैं। उसके बाद हमने इसको बेल के इसकी मीठी टिक्कियाँ बनानी। यहाँ पे वनस्पति घी हम गरम करते हैं, मीठा जब भी बनाएं मीठी टिक्कियाँ कुछ भी ऐसी चीज़ बनाएं तो घी में बनाएं, ऑयल में बनाने में वो मज़ा नहीं होता, मीठे चीज़ें जो घी में आता है उसका फ्लेवर। ठीक है, हमेशा ऑयल में ना ठाहींदा, क्योंकि मीठी शयूँ घी में ठाहींदा को आई हूँ उनकी घी के वारी तां रखी छोड़ो, को मिठो ठाहिण में तां कम अची या पराठन में कम अची वो उनमें को मिठो फ्लेवर न थो अचे। ठीक है, इसके बाद अच्छा इसको थोड़े तरीके से आपने बनाना है। ग्लास में दिखता हूँ, मेरे पास कटर कहाँ रखा हुआ, बेलन लेते हैं, इसको हम हाथ थोड़े ड्राई करूँ, ऑयल आ रहा है हाथ में। ठीक है, इनके बेलनदासी
बिल्कुल आराम आराम सा, बहुत एहतियात से ही बनानी है। नरम होती हैं थोड़ी, जब ये ड्राई हो जाती हैं, ठंडी होती हैं, फिर ये सख्त होती हैं, ठीक है। अच्छा, जितने इंच की आपने मोटी रखनी है सूत, मीन्स के इसके मोटाई जो होती है वो आप अपने हिसाब से कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा पतली ना करें, टूट जाएंगी। कटर से इसको काटते जाएंगे, कटर नहीं है तो फिर हम प्याली ले लेते हैं कोई सॉरी प्याली गोला तो बड़ी गोल मिली हो, नहीं कटर मुँह का ड्राइंड भूल जाए, गिलास खरीदा हूँ, ठीक है। गिलास ले लेते हैं, गिलास का भी वही साइज़ होता है इसका जो मीठी टिक्किया होता है, ठीक है। गिलास से हम अच्छा ब्रेक जो टाइम थे पे जैसे मैं जी कटिंग देसी ऑटो, इस तरीके से आपने कटिंग करनी है, ठीक है। बहुत एहतियात से इस तरह आपने कटिंग करनी है और फिर इसकी टिक्कियाँ हम निकाल निकाल के इसको डीप फ्राई करते जाएंगे। फिर शॉर्ट ब्रेक होता था, ब्रेक के दौरान ही कटिंग करें, मैं इनके डीप फ्राई करना का देना, जो ब्रेक अपोची रेसिपी कंटिन्यू करना से। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक थियण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेके मां मिठी टिकियूं ठाहियां पियो, हे मां फ्राई करण विझी छॾियूं आहिनि, ठीक है। जो मीठी टिकिया बन रही इसको फ्राई करने डाल दिया मैंने, बहुत एहतियात से आपने इसको बनाना है और मीडियम फ्लेम पे जब ये गोल्डन होना शुरू हो जाएंगी तो फिर आपने इसको पलटना है। ये टूट जाती हैं इसलिए इसका ख्याल बहुत रखना है आपने, ताकि टूटे ना, ठीक है। इसको अब हम आराम से इसको पलटाएँगे, अंदर से एक तरफ से हो जाएँ, फिर इसको पलटाएँ। बड़ी खस्ता और मज़ेदार ही बनती है, ठीक है। कलर इसका गोल्डन ब्राउन होगा, बहुत ज़्यादा डार्क भी ना हो, अच्छा इसका कलर होना चाहिए और मीडियम फ्लेम पे, जैसे शामी कबाब का कलर होता है ना, उस तरह का इसका कलर आना चाहिए। अगेन इसको अच्छी तरह रोल करें, चंगी तरह इनके रोल कंदासी, क्रैक्स ना अचन कोशिश कजो, आराम आराम सा इनके चीनी पीस के डालें तो और ज़्यादा आपकी अच्छी बनेगी, ठीक है। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बनाते हैं तो उसमें ये होता है हाथ सेट नहीं होता, टूट जाती हैं काफ़ी लोगों से। मीडियम फ्लेम पे अंदर तक पक जाए, ठीक है, ताकि मैदा अंदर से कच्चा ना रहे। हल्की आंच पे ये थोड़ी सी फूल भी जाती है। अगेन गिलास से कटिंग करते हैं इसकी, कटर से करें या स्टील के गिलास से करें, मेरे पास स्टील का गिलास नहीं है तो मैं इसको शीशे के गिलास से कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गई, इसको निकाल के इस तरह छोड़ते जाएँ टिश्यू के ऊपर, ताकि एक्सेस जो इसका घी है वो निकल जाए। निकली मैंने थदियों थिंदियों, ये बिल्कुल जब ठंडी होंगी तो फिर आपने खानी है, ठीक है, इसको आपने सर्व करना है। आराम से हाथ भी ना चले, इस तरह घी में छोड़ते जाएं इसको। ठीक है, एक डोर बना लेते हैं उनका, पहुंचूंगा समोसा लेते। समोसा भी डी शेप में ठहंदा, ॾाढा सुठा, ठीक है, बिल्कुल ईज़ी वे में ठाहींदासीं समोसा। तिकुंडा समोसा जेका हूंदा हू थोरो मसलो थींदो आहे ठाहिण में, टुटी पवंदा आहिनि, त हिन करे मां ईज़ी जेको समोसा हूंदा आहिनि जेका मिठे जा हूंदा आहिनि हू थोरा डी शेप में ठहंदा आहिनि। हिकु मिंट खां पोइ हिनखे ॾिसजो कलर अची वञे त आराम सां हिनखे पलटाए छॾिजो, ठीकु आहे, ताकि ॿई पासनि जा सुठा पचनि। अच्छा सा आपने इसको कलर आने लॻेगा तो आपने आराम से इसको पलट देना है, ठीक है। इसके बाद इसकी कटिंग करते हैं, ये ओके बस काफ़ी हैं। छा करें तो तव्हांखे मां सिर्फ़ तरीक़ो ॿुधायो पिए, बाक़ी पोइ तव्हां पाण ठाही वठिजो, ठीकु आहे। हीअ मैंने बना दी, इसका तरीक़ा मैंने आपको बता दिया, अभी जो फ्राई हो जाएंगी इसके बाद हम बनाते हैं मीठे समोसे, ठीक है। अच्छा, खुश्क अटो या मैदो कुछ भी न लगाइणो आहे, जेको ही ऑयली आहे पंहिंजो ही उनजो पंहिंजो ई टेक्सचर रहंदो, ठीकु आहे। हे थधियूं थींदियूं त पंहिंजे हे टिशू जे मथां हल्की सी लॻी वई आहे, हीअ आवाज़ तव्हांखे ईंदी हूंदी, हीअ सख़्तु आहिनि, ठीकु आहे, सख़्तु थींदियूं आहिनि टिकियूं, नरम न हूंदियूं आहिनि। इसको पलटा देते हैं, ये हो गया, इसे भी डिश आउट करते हैं। टिशू चिपक गया इसके ऊपर, इस चीज़ से थोड़ा ख्याल से टिशू हटा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो चीनी होती है इसके अंदर तो वो चिपक भी जाती है, ठीक है। इस तरीके से
जो टिश्यू सजो लाई छजो कॉल वठूं था अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मदर किया है ठीक है बिल्कुल ठीक ठाक कदी कह रहे हैं किथा गलायो पया हां अलर साइन सारी शाम मा सगन है खाली बस थोड़ा वॉल्यूम बताए जो आवाज ना पे समझ छे होल्ड का जो अधी थोड़ो हां जी जी छापे छो जी जी अधी कुछ चयो पया हां दा यो पोरे उठायो भाद जी पोरे पोरे पूरियों हां पूरियों नहीं नहीं समोसा इन मीठा आही मीठी टिक्कियों ठायो पया अच्छा छोला पूरी कदम ठाइंदो वो भी इंशाल्लाह जल ठाइंदम छोला पूरी आ हुन सा अगर जेको चणन जी भाजी हुंदी है ना ये सब हलवो हुंदो है सब ठाइंदा से ठीक है अच्छा ये दिन कल नहीं से थी 28 रंग को रिपीट कराइंदो मां छाशी दी कल देखो तवां कदम ठाइयो मैं कोशिश किया तो मैं रिपीट कराई वठा ठीक है हेलो ठीक है थैंक यू अल्लाह हाफिज अच्छा ये असन जी फ्राई थन पियो टिक्कियों ठीक है ये हम निकाल देते हैं बिल्कुल जब ये ठंडी हो जाएंगी उसके बाद आपने इसको खाने गरम गरम इसको ज़्यादा टच करेंगे तो ये टूट जाती हैं ठीक है ये असन जी थी हुई तैयार इनके भी रखूँ था टेबल से हाँ अचूँ था मिठा समोसा ठीक है ये हो गई हमारी मीठी टिक्कियाँ खीर के साथ जिनकी फरमाइश हुई कल काफ़ी सारे कॉलर्स मुझे चुनाव मिठी टिक्कियों ठाण सिखारो तो ये तुम ठाई वरती है ठीक है जब तक ये फ्राई हो रही है अब हम बनाते हैं मीठे समोसे मिठा समोसा कि ठंडा इतने अस खी मैदो सॉरी डो जो मैदे की है इनकी नंढी नंढी पूरी ठाईदी ठीक है इस तरह करके इसकी हम करते हैं कटिंग छुरी ठीक है इस तरह अभी मैं कम क्वांटिटी में बना रहा हूँ बहुत ज़्यादा नहीं तो फिर आप देख लीजिएगा उस हिसाब से ठीक है इस तरह करके थोड़ा और कम कर लेते हैं इसको हमने बेलना है ठीक है रोटी की तरह बेल के घी लगा हुआ है इसके ऊपर और आपने खुशका नहीं लगाना है ठीक है खुशकट्टो ना लगाना जो इनके मथा घी लगल है उन्हीं ही ठाँदो वेलण से हल्को सो घी लगे छो ठीक है इन तरीके से गोल मानी ठाईंदा नंढी ठीक है इतनी बारीक भी ना हो कि इसकी फिलिंग करने के बाद ये टूटे ठीक है इस तरह गोल आपने रोटी बना लेनी है इसको पलट लेते हैं ठीक है अच्छा ये एतरी हुए कि तानी मानी टूटे ना हाँ इनमें कहे फिलिंग कहे समोसे की चमचे से थदो थी वे मिक्सचर ये साइड से रखासी ये काफ़ी सारो मिक्सचर है तकरीबन ब दर्जन ताजी ही मिठा समोसा ठही वा ठीक है अगर घट ठाण चाहो तो घट कर छो उनको मिक्सचर ठीक है ये हो गया ये करके आपने साइड में रखना और इसको उठा के इस तरह बंद करना है डी शेप में ठीक है इसको बंद करने के बाद आपने इस तरह फिंगर टिप से इसको बंद करना है अच्छी तरह फिंगर टिप से बंद करने का मकसद ये होता है कि अच्छी से बंद हो जाए इसको पलट देते हैं हाँ कहसी कांटो जो हों फोक जिनके चाहता यो खी इनके प्रेस कौ ठीक है कांटा जो होता है छुरी चम्मच कांटा ये वाला फोक लेके इसको आपने इस तरह प्रेस करना है ताकि डिज़ाइन भी आ जाए और ये अच्छा सा इसका लुक आ जाएगा ठीक है अच्छा ये बंद होना चाहिए खुले ना खुलने से क्या होगा इसके जो मिक्सचर है वो सारा बाहर आ जाएगा ये हमारी हो गई तैयार ठीक है इसको साइड में रखते हैं अब इसी ऑयल में हमने ये वाला समोसा डालना है ठीक है बहुत एहतियात से आपका हाथ ना जले ठीक है इन तरीके से मीडियम फ्लेम से ही पचन दो ताकि सड़े ना आई ब्राउन ना थी वधिक अगेन इन तरीके से मानी वेलंदी ठीक है छोटे बड़े आप खुद बना सकते हैं इसके साइज करके तिकोने भी बना सकते हैं मैं इस तरह डी शेप में थोड़े डिफरेंट करके बना रहा हूँ इसको इस तरह रोल किया उसके बाद अच्छा इसको भी पलटना भी है थोड़ी देर में फ़ौरन ठीक है वरना ये क्या होगा टूट जाएगा हल्का हल्का ऑयल इसके ऊपर डालते जाए अच्छा किरण अस्सलाम वालेकुम तुम प्रोग्राम ढो पाया थैंक यू तुम मैसेज मुख्य मिली हो तक मोकिले चाहो तो खालिद भाई के बता के मोकले छा शाम जो चाहे सर किरण लगारी असर सीनियर होस्ट
सिंध टीवी जी शान कॉल बैठू था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फैसल? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। नाहिद खान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्र है, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी दुआएं। आपने चीज ऑमलेट नहीं बनाया फैसल अब तक? चीज ऑमलेट, असल में क्या हुआ है, प्रोग्राम मेरे हुए ही नहीं ना लास्ट वीक, बिल्कुल भी नहीं हुए, तो इस वजह से वो बना नहीं सका। कल गेस्ट आ गई थी, तो आज रजब की वजह से ना काफी फरमाइश थी मीठी टिक्कियां और ये चीजें की, तो अब इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक जरूर बनाऊंगा। हाँ नहीं, मैं देख रही हूँ आज आप कूनों के हवाले से प्रोग्राम कर रही हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसकी फरमाइश बहुत ज्यादा आ रही थी ना, तो मैं कहीं निकाल लूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। और फैसल आपसे एक बात करनी थी, आपको पता है कि इस बार रमजान बहुत शदीद तरीन गर्मियों में होगा, बहुत ज्यादा। मैं तो वही सोच रहा हूँ मैं कुकिंग कैसे करूँगा। हाँ, तो आप ऐसी कुछ चीजें मतलब बताइएगा कि जो सहरी के लिए स्पेशली जो गजाइयत से भी भरपूर हो और अफादियत भी हो और इतनी हैवी ना लगे, मतलब बिल्कुल के सारा दिन खा के रोजा ना लगे। हाँ जी जी जी, मतलब गर्मी भी ना लगे, ठंडी भी हो और गजाइयत से भरपूर हो, अफादियत में भी अच्छी हो और इतना टाइम भी ना हो, मतलब फौरन बन जाए झटपट। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा। हाँ हाँ, और इफ्तारी के हवाले से भी कुछ ऐसी चीजें, इफ्तारी की तो चटनियाँ वगैरह थोड़ा सा इंशाल्लाह कुछ कुछ चटनियाँ पहले ही बनाना सिखा दूंगा ताकि वो बना के आप लोग रख दें अपने पास ना। हाँ, क्योंकि लाइव जी मशरूबात भी, मशरूबात तो अभी बस अभी से ही शुरू कर रहा हूँ ताकि ये गर्मियों में भी उसका फायदा उठाएं, फिर रमजान के लिए भी हो ना। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह कहना चाह रही थी। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू नाहिद खान, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। दो से तीन टेबल स्पून, बहुत ज़्यादा नहीं भरना है ये मिक्सचर, दो से तीन टेबल स्पून इसके अंदर भरना है ताकि ओवर ना हो जाए, बहुत ज़्यादा टूटना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये एक हो गया तैयार, मज़ेदार ही ठंडा है, इनके अंदर पूरा माओ ऐं मिक्सचर भरियल हों, तुम ज़रूर इनके ट्राई कजो मुझे लाइ प्लेट रखा। ठीक है ना, बहुत ही मज़े का बनता है ये समोसा, ये आपने ज़रूर ट्राई करना है। बस ये कलर आ जाए तो इसे हम डिश आउट कर देते हैं, इसी तरह डी शेप में इसको बंद करें। पहले फिंगर से अच्छी तरह इसको इस तरह बंद करें, शेप दे दें, उसके बाद फोक लेके इसको आपने इस तरह डिज़ाइन कर देना है। ठीक है, इससे क्या होता है, अच्छी तरह प्रेस भी हो जाता है, उसका लुक भी अच्छा आता है, डिज़ाइन बन जाता है। डिश आउट करता चलो, ठीक है, ऑयल घी चंगी तरह, अच्छा मिठो जले भी समोसो टाइप जो ठाओ तो घी में ही ठाजो। ठीक है, घी छा घी में ही सुठा ठाना, जो अस फिका समोसा ठाईंद मसाले वारा कीमे वारा वो ऑयल में होंगे, हे वारा जो तुम ठाई हे घी में ठाईंदा क्यों। ठीक है, बस तीन बना रहा हूँ क्योंकि टाइम को भी देखना है और रेसिपी मैंने आपको सारा तरीक़ेकार बता दिया कि कैसे बनती है। ठीक है, सुबह जो रिपीट में हलो काश तुम मिस थी हुए इन प्रोग्राम जी लाइट जो भी इशू है तो इन करे पोई सुबह जो तां रिपीट मिली सजो, बाकी कुकिंग भी शेफ से मुझे पेज और रेसिपी अपलोड भी थी। ठीक है, हेवी थी वे तो इनके खाली बार टाइम बुधाजो के तुआ। ठीक है, अच्छा सुभाने लाइव ना हूँ, सुभाने मैं बुधाई छा लाइव ना हूँ, संडे वाले डी गर्मी के हिसाब से हाँ खाधा ठाईंदी सुबह परी जो प्रोग्राम थी संडे वाले डी तुम ऐसो तमाम मज़ेदार जो खाधा हों सब गर्मी के हिसाब से हों। ठीक है, ठीक है ठीक है, कल हम लाइव नहीं होंगे, कल वही प्रोग्राम हमारा चलेगा जो आउटडोर हम करके आए खैरपुर वाला, उसका थर्ड एपिसोड है। ठीक है, वो आपने देखना है और उसके बाद जो संडे होगा, संडे को जो हमारी रेसिपी होगी वो गर्मियों के हिसाब से होगी। ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त बनाऊंगा, गर्मी के हिसाब से वो रेसिपीज होंगी, आपने ज़रूर देखना है। ठीक है, ये थोड़ा जो मिक्सचर है साइड में डिश में, मज़ेदार ही मिक्सचर होता है। वैसे भी आप इसके लड्डू, मैंने बताया कि खोया अगर ज़्यादा है आपके पास आधा किलो जितना है तो आप इसके लड्डू बना के इसके अंदर लड्डू बना लें, इसके हाथ से घी लगा के ना हाथ पे, बहुत मज़ेदार ये लड्डू बन जाएगा। ठीक है, ये असांजी थी वही ट्री रेसिपीज जो रजब के हिसाब से हुई, उम्मीद है तक ये पसंद भी इंदी और इनके ज़रूर ट्राई कजो, फिर मैं रिपीट भी थो रात जो ही अपलोड कर वठंदम ताकि तुम इन वीक में ही ठाई वो। ये हमारी तीनों रेसिपीज जल्दी जल्दी टाइम की वजह से जितने मैंने बना लिए आपके सामने, बाकी आप लोग फिर अपनी मर्जी से बना लें। ठीक है, अच्छा खीर जो है खीरणी जगह है ये माँ ठाई है सवा का डेढ़ किलो में। ठीक है, सवा का डेढ़ किलो में ही खीरणी ठाई है,
अगर तुम ठाण चाहो तो इनकी क्वान्टिटी उन हिसाब से डबल कजो जी एक लीटर सवा लीटर डेढ़ लीटर खीर में जितनी खंड विधी है जितना चावर विधा जी शूँ विधियन तो उनके डबल कर टे किलो खीर में ये सब शूँ डबल थी वेंदी चार किलो करना चाहो उनका डबल तो मेजरमेंट ये तुम अक्सर मुझे फोन मैसेज कह फेसबुक से कि पंज किलो चावर कि टे किलो बिरयानी कि ठंदी तो वह दिसंदा कि जो एक किलो जो हिसाब बुधाई उनके बस डबल कंदा वो तो तहो हथ भी सेट थी वो सुठे तरीके से वो ठाई सो ठीक है जो न्याज करण ला ये जो मैं पूरी टिक्कियों ठाईन ठीक है इतने तो मैं अठ ते सामू ठाईन तकरीबन इनमें टी का पंजटी जो अटो इनो टी का पंजटी क्वान्टिटी में बुधा पंजटी का चाली भी कर सोता अगर नंढी ठाओ था ठीक है पंजटी का चाली टिक्कियों आराम से तीन इन क्वान्टिटी में ठही वेंदी आई जी समोसन की फिलिंग में ठाई है मिठे समोसन की ये भी तकरीबन तकरीबन मुझे पंजटी का चाली समोसा तुझा ठही वा ठीक है यो मिक्सचर जो मैं ठाया इनमें मैं विधो अध पाव माओ फिको ठीक है अगर तुम अध किलो माओ तर विझ मिक्स कर हथ के मथा घी लगाई इनके चंगी तरह प्रेस कर इन लड्डू भी ठाई सोता ड्राई फ्रूट वाला लड्डू ठही वा ठीक है ये टी शूँ तमाम आसान है नेक्स्ट वीक भी इंशाल्लाह काफ़ी सारी वैरायटी है वो भी तक सिखाई खासकर हाँ आइसक्रीम फालूदो शरबत इन टाइप की रेसिपीज कुल्फियों ये स्टार्ट क्यों था जाकर रमज़ान का पहली चाहें पी तुम वैरायटी कटी वो रमज़ान में तबर टाइम घट मिल रमज़ान के हिसाब से काफ़ी सारी वैरायटी होंगी ठीक है ये जो रेसिपी मैंने बनाई है पूरियों जो मीठी टिक्की बनाई 35 36 40 तक ये बन जाएंगी जितनी क्वांटिटी में डो बनाई है ठीक है और ये समोसों की जो मैंने फिलिंग बताई ये भी 35 से 40 समोसों की फिलिंग है जिसमें से मैंने अभी 5 समोसे जितने ही वो सॉरी 3 समोसे मैंने बनाए और बाकी जो इतना सारा मिक्सर रखा हुआ आराम से 30-35 समोसे अगर छोटे करके बनाएंगे तो 40-50 समोसे बन जाएंगे आपके और ये फिर आप कर सकते हैं बना सकते हैं नियाज के हिसाब से खीर जो है ये 1.25 से 1.5 लीटर की है ठीक है अगर आप 3 लीटर बनाए 5 लीटर बनाए तो जितनी क्वांटिटी मैंने बताई उसको डबल करके आपने बनाना है इसी प्रोसेस से तो उतनी बन जाएगी खोया वगैरह हर चीज़ डाल के ठीक है और ये सुबह 11:05 पे रिपीट चलेगा कल और स्क्रीन पे नंबर चल रहा है वहाँ पे सॉरी कुकिंग विद शेफ मेरा पेज में रेसिपी अपलोड हो जाएगी और वीडियो देखने के लिए सर्च करें कुकिंग शो शायद सिंध टीवी खाली भा कुकिंग शो सिंध TVHD कुकिंग शो मेरा पेज है वहाँ रेसिपीज़ अपलोड हो जाती हैं सारी वीडियोस वहाँ मिल जाती हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें उसको लाइक करें उसको सारी रेसिपीज़ फिर आपको मिल जाएंगी 6 मंथ की वहाँ पे अपलोड हुई है अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा कल नहीं हुए लाइव हम होंगे परसों इंशाल्लाह लाइव हों तो परसों आपकी रेसिपी होंगी आपकी फरमाइश के हिसाब से बनाएंगे ठीक है इंशाल्लाह वरी परी मुलाकात थी संडे वाले ॾींहुं पंहिंजो खुड़ सारो ख्याल रखिजो दुआ में अदरक जो अल्लाह हाफ़िज़